सामंता रूथ प्रभु और विजय देवरकोंडा की जोड़ी 4 साल के बाद फिल्मी पर्दे पर फैंस को देखने को मिली। सामंता और विजय दोनों तेलुगु भाषा में बनी फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फिल्म खुशी में नजर आए। इस फिल्म ने 1 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। बात करें फिल्म खुशी की कहानी की तो ये विप्लव और आराध्या की कहानी है जो कश्मीर में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन दोनों के परिवार वालों को उनका प्यार पसंद नहीं आता और वो उन्हें अलग करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन विप्लव और आराध्या एक दूसरे के प्यार में ऐसे पागल होते हैं कि वे शादी कर लेते हैं और शादी में दिक्कत तब आने लगती है जब दोनों के बीच मतभेद होने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी रोमांटिक लाइफ में कड़वाहट घुल जाती है। विजय सामंता की इस लव स्टोरी को दर्शकों और समीक्षकों का तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार पहले ही वीकेंड पर धीमी हो गई। वहीं विजय देवरकोंडा और सामंता रूथ प्रभु स्टार्टर खुशी में तेलुगु भाषा में 14 करोड़ और तमिल में 55 लाख से शुक्रवार को ओपनिंग की थी। हालांकि साउथ में फिल्म का कलेक्शन शनिवार और रविवार को बढ़ने की वजह कम हो गया। तेलुगु भाषा में खुशी ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को टोटल 9.25 करोड़ की कमाई की जबकि रविवार को ये फिल्म महज 8.97 करोड़ की कमाई ही कर पाई। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने इंडिया में टोटल सभी भाषाओं को मिलाकर वीकेंड पर लगभग 34.78 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और ओवरसीज इस फिल्म ने टोटल 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस तरह वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रविवार तक महज 40.45 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। विजय देवरकोंडा और सामंता रूथ प्रभु स्टार्टर इस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर उनके स्टारडम के मुकाबले काफी धीमी है। नवीन एरनेनी और वाई रविशंकर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में इन दोनों सितारों के अलावा सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा सहित कई सितारों ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मूवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें।